हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार ढोकले की रेसिपी जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही डिलीशियस है और यकीन मानिए इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनके तैयार होता है कि खाएंगे और मुंह में घुल जाने वाला ढोकला है ये। चलिए फटाफट से इस रेसिपी को देखते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में लेंगे, एक कटोरे में नॉर्मल जितना जो भी आपके घर में कटोरा है उसमें आप एक कटोरा भर के बेसन ले लीजिए। अब ट्रिक ये है, आपको इस बेसन को छानना है, ठीक है। जहाँ भी आपको बाजार में बेसन मिलता है, कोई भी मिलता है पैकेट में, आपको वो बेसन लेना है एक कटोरी भर के जितना भी आप ढोकला बनाना चाहते हैं, और उसको अच्छी तरह से सिफ्ट करेंगे हम इस छन्नी के साथ। देखिए अच्छी तरह से इसको हम छानेंगे, इसमें जो भी लम्स है वो सब निकल जाएंगे और यही बनाता है हमारे ढोकले को एकदम स्पॉन्जी और सॉफ्ट। तो हमेशा हमेशा याद रखिए, जब भी आप बेसन लें उसको ज़रूर से छानें। तो ये देखिए, ये बन गया हमारे ढोकले का बेस। चलिए इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं एक बर्तन में, क्योंकि हमें इसमें और भी इंग्रेडिएंट मिक्स करने हैं। तो मैं इसे एक दूसरे बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। ये हमने ले लिया छना हुआ बेसन। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले सॉल्ट। सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे आधा टेबल स्पून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच चीनी। ये पिसी हुई चीनी मैंने ली है, आप चाहो तो ग्रैनुल्स भी ले सकते हो, बट पिसी हुई चीनी ज़्यादा अच्छी होती है। और यहाँ पे हल्दी ली है, एकदम थोड़ी सी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना है, एकदम सिर्फ कलर के लिए ले रहे हैं हम ये। तो हम इसको अब अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसके बाद इसमें ये जाएगा, ये दही है 2 चम्मच के करीब, ये दही है, अच्छे से फेंट लिया है इसको, और इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इससे भी हमारे ढोकले का टेस्ट ही अच्छा हो जाता है। और ये मैंने लिया 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1/2 चम्मच ग्रीन चिली। अब हम करेंगे इन सबको मिक्स। ग्रीन चिली अगर आप अवॉइड करना चाहें तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बट मुझे पसंद है हल्का सा स्पाइसीनेस, इसलिए मैंने मिक्स किया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हम इसे करेंगे स्टर। हमें इसमें अच्छी तरह से हवा भरनी है, तो हम इसे एक ही डायरेक्शन में इसको इस तरीके से मिलाएंगे। तो थोड़ी मेहनत का काम है बट ये वर्थ होता है। तो इसको अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में मिलाते रहेंगे और ये देखिए इस तरीके का बैटर हमारा बन के रेडी हो जाना चाहिए, जो कि पोरिंग कंसिस्टेंसी दिख रही है आपको। और साथ ही साथ अगर आप साइड्स में देखोगे तो इसमें एयर फिल हो चुकी है, और साइड्स में जो आप बबल देख रहे हो ये इसका इंडिकेशन है कि हमने इसमें अब हवा फिल करनी शुरू कर दी है। अब देखिए आप इसमें अच्छे सारे बबल्स देख सकते हैं। तो हमने काफ़ी 5 मिनट तक उसको अच्छी तरह से मिलाया है, तो ये इतने सारे एयर बबल्स आ चुके हैं। इसमें मैं डाला है 1 चम्मच के करीब ऑयल, और इसको एक बार फिर से हम सिफ्ट करेंगे, 1 से 2 मिनट तक करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये हो गया हमारा बैटर रेडी। इसमें अच्छे से एयर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो हम इसको पटकेंगे नहीं, वरना इसकी जितनी भी एयर हमने डाली है वो सब वेस्ट हो जाएगी। तो इसको ढक करके आपको करीब 20 मिनट तक ऐसे ही रखना है। उसके बाद हम एक पैन को रेडी करते हैं, उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, ताकि जब हम अपने ढोकले को स्टीम करेंगे तो वो चिपकेगा नहीं नीचे। तो आप कोई भी बर्तन को ले करके उसको अच्छी तरह से ग्रीस आउट कर लीजिए, उसके साइड्स में, उसके नीचे, आप चाहो तो इसमें बेकिंग शीट भी लगा सकते हो। तो ये देखिए 20 मिनट बाद हमारा ढोकले में कितनी अच्छी सी एयर कॉर्पोरेट हो चुकी है, आप देख रही हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ लास्ट में 1 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं है, ये बेकिंग सोडा है। और हल्के हाथों से हम इसे करेंगे मिक्स, सेम डायरेक्शन में मिक्स करना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है आपको। और जैसे ही हमारा ये बेकिंग सोडा मिक्स हो जाएगा, आप देखिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करेंगे, बस हम कट करके मेथड से करेंगे। और जैसे ही हमने ये बेकिंग सोडा मिक्स कर दिया, हम इसको तुरंत ही डालेंगे अपने ग्रीस किए हुए पैन में। अब इसको पटकना वापस नहीं है, सिंपल से अपने हल्के हाथों से इसको ऊपर से अच्छी तरह से सेट आउट कर लेंगे, इसके एयर बाहर नहीं जानी चाहिए। और बस चलिए हम इसको करते हैं स्टीम। स्टीम करने के लिए हमने गैस में कढ़ाई रख दी है, इसे हमने पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, नीचे एक स्टैंड रख दिया है, इसके ऊपर ही हम अपने ढोकले को पकाएंगे। तो ये स्टोव पे ही पकाने वाले हैं हम ढोकले को। तो ये हमारे बर्तन, ढोकले वाला बर्तन इसके अंदर चला गया है, इसको हम ढक देंगे।
और आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आधे घंटे बाद देखते हैं हमारे ढोकले की क्या कंडीशन है। आधा घंटा हो गया, ये देखिए हमारा ढोकला अच्छी तरह से पक चुका है। और इसका चेक करने का इंडिकेशन ये है कि आप अपने कोई भी चाकू से इसको जब आप इंसर्ट करेंगे आप देखेंगे कि एकदम क्लीन निकलना चाहिए। इसका मतलब है हमारा ढोकला पक के रेडी हो चुका है। अब इसको ढक देंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसको इसी में ही रहन देंगे जब तक कि ठंडा नहीं हो जाता। तब तक हम अपने तड़के को रेडी करते हैं। गैस पे हम दूसरा तड़का पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे तेल 1 टेबल स्पून के करीब, इसमें हम डालेंगे राई मस्टर्ड सीड्स, इसको हम चटकने देंगे। जैसे ही ये चटक जाएंगे हम इसमें डालेंगे अपने करी पत्ता, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ अवॉइड कर सकते हो। ये इसमें मैं डाली ग्रीन चिली, 3 से 4 ग्रीन चिलीज हैं ये जो स्लिट की हुई है। इसको हम अच्छी तरह से पकने देंगे। आप डालेंगे हींग, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, एक डिफरेंट ही टेस्ट आ जाता है ढोकले में, तो आप हींग ज़रूर डालें। और जैसे ही ये तीनों चारों चीज़ें पक जाए हम डालेंगे इसमें पानी, पानी थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं इसमें। अब मैं इसमें डाला है वापस से नमक स्वाद अनुसार और 2 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी डालनी है। तो हम खट्टा मीठा तीखा सब कुछ इसमें डालने वाले हैं, ऐसा ये चटकारेदार इसका तड़का बनेगा। और पानी को हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा हम गैस को बंद करके इसमें हम डाल रहे हैं नींबू का रस और एंड में हम डाल रहे हैं इसमें धनिया। तो जैसा कि मैंने बोला हम खट्टा मीठा तीखा तीनों चीज़ इसमें डाल रहे हैं, तो बहुत ही अमेजिंग सा तड़का बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तड़का हमारा रेडी है और ढोकला भी हमारा वॉर्म है, ठंडा नहीं हुआ है बट वॉर्म है। तो अब हम इसमें ये गर्म गर्म तड़के को डाल रहे हैं ताकि ये अंदर तक ढोकला हमारा ये पानी सोख ले। ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसको तड़का इसके ऊपर डाल देंगे। चलिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ हमारा ढोकला कैसा बना है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम सामान से और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। तो आपके अपने मेहमानों को भी ये खिला सकते हैं जब भी मेहमान अनएक्सपेक्टेडली आपके घर पर आ जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये रहा हमारा ढोकला और इसके ऊपर से हम इसको सजा रहे हैं कोकोनट का जो बुरादा होता है, कोकोनट पाउडर होता है, इसके ऊपर डाल रहे हैं क्योंकि ये गार्निशिंग में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए हमारा फ्लफ़ी सा ढोकला एकदम स्पॉन्जी है, खाने में मुंह में घुल जाने वाला ढोकला है ये। ये आप ज़रूर अपने घरों में बनाइए, आप देख सकते हैं बहुत ही स्पॉन्जी सा बना है। और अपने घरों में ये ज़रूर रेसिपी बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी रेसिपी पसंद आने पे मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। तब तक के लिए आप इंजॉय करिए ये अमेजिंग सा ढोकला।